तो हम लोगों ने समझ के विस्तार को चर्चा करते हुए मानव के स्तर पर व्यवस्था को समझा, परिवार के स्तर पर व्यवस्था को समझा, समाज के स्तर पर व्यवस्था को समझा, प्रकृति एवं अस्तित्व के स्तर व्यवस्था को समझा। जिस समझ के आधार पर जीना कैसा होता है उसमें नैतिक आचरण की उन्होंने पिछली बार चर्चा की, और नैतिक आचरण के साथ तकनीकी का, उत्पादन का, प्रबंधन का क्या स्वरूप होगा मानवीय व्यवस्था के अर्थ में, उसको आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो पिछले व्याख्यान में हमने नैतिक मानवीय आचरण पर चर्चा की और नैतिक आचरण के दो मॉडलों पर एक नजर डाली थी। फिर हमने वर्तमान परिदृश्य का मूल्यांकन भी किया था और आगे कार्यक्रम प्रस्तावित किया था, आगे की क्या तैयारी बनती है। अब आगे बढ़ते हुए हम लोग इस व्याख्यान में सार्वभौम मानवीय व्यवस्था के लिए तकनीकी का स्वरूप क्या हो, उत्पादन तंत्र कैसा हो, प्रबंधन कैसा हो, इस पे चर्चा करेंगे। तो समाज की व्यवस्था को अगर एक दृष्टि में देखें तो इन तीन भाग में दिखाई देती है। तो समाज में साथ साथ जीते हुए हमारा समान लक्ष्य क्या हो सकता है? तो हर व्यक्ति में समाधान, हर परिवार में आत्मविश्वास और प्रकृति अस्तित्व में सहअस्तित्व, परस्पर पूरकता, ऐसा हमें लक्ष्य के रूप में दिखाई देता है। उसका एक क्रम भी दिखाई देता है कि जब हर व्यक्ति में समाधान के निश्चित कार्यक्रम होता है तभी हर परिवार में समृद्धि का भी निश्चित कार्यक्रम बन पाता है। तो समाधान के बिना समृद्धि संभव नहीं है। जब तक मुझे सुविधा की आवश्यकता स्पष्ट नहीं है तब तक समृद्धि का भाव सुनिश्चित हो नहीं पाता। भले ही सुविधाएं बढ़ती चली जाएं परंतु हम समृद्ध महसूस नहीं करते। वैसे ही जब तक हमें संबंध की प्रायोरिटी न दिखाई दे सुविधा के ऊपर और संबंध की स्पष्टता न हो तब तक हम परिवार में जीते हुए भी एक दूसरे के साथ संबंध में पूरक नहीं हो पाते, तो समाज में कैसे होंगे? तो समाधान के साथ ही हमें समाज में विश्वास की संभावना दिखाई देती है और समाधान के साथ ही हमें शेष प्रकृति के साथ अपना संबंध भी स्पष्ट होता है। तो समाधान मूल में है। तो हम लोग आगे जो भी चर्चा करेंगे उसको इस बात को ध्यान में रखेंगे कि मूल में तो समाधान है। मैं अपने आप में समाधानित होता हूँ, मुझमें सही समझ, सही भाव बना रहता है तो मैं समाज में निश्चित कार्यक्रम देख पाता हूँ, तकनीकी का समुचित विकास भी कर पाता हूँ, प्रबंधन भी ठीक से कर पाता हूँ, उत्पादन भी ठीक से कर पाता हूँ, समाज के हर आयाम में मैं भागीदारी भी ठीक से कर पाता हूँ। तो समाधान मूल में और लक्ष्य के रूप में देखें तो समाधान समृद्धि, अभय और सहअस्तित्व, ऐसा दिखाई देता है। इसको पूरा करने जाते हैं तो एक स्वरूप है जिसमें हम समाज में पांच आयामों में भागीदारी कर सकते हैं। एक दूसरा स्वरूप भी हम लोगों ने पिछली चर्चाओं में रखा था, इसमें हम लोगों ने 8 भागों में इस पूरी बात को रखा था। तो एक तरह से क्लासिफाई किया जाए तो ऐसा दिखाई देता है कि इस मानव लक्ष्य को पूरा करने के लिए शिक्षा, संस्कार, स्वास्थ्य, संयम, उत्पादन कार्य, न्याय, सुरक्षा और विनिमय कोष, इन 5 आयामों में काम करने की जरूरत है। और इस तरह से जब हम काम करते हैं तो हम परिवार में व्यवस्था को सुनिश्चित कर पाते हैं। अब आप लोग ये देख पा रहे होंगे कि जब आप स्वयं में निरीक्षण कर रहे हैं, अपने व्यवहार कार्य का सटीक मूल्यांकन करने का प्रयास कर रहे हैं, सुविधा की आवश्यकता का ठीक ठीक आकलन करने का प्रयास कर रहे हैं, संबंध को समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो परिवार में धीरे धीरे एक व्यवस्था बनती जा रही है। पहले भी आप परिवार में व्यवस्था बनाने का प्रयास कर रहे थे परंतु स्पष्टता नहीं थी, समाधान नहीं था। कभी लगता था कि खूब सुविधाएं जुटा लेंगे तो व्यवस्था बनेगी, कभी लगता था सबकी इच्छाओं को पूरा करेंगे तो व्यवस्था बनेगी, कभी लगता था कि जो बड़े लोग कह रहे हैं उनका अनुसरण अनुकरण करेंगे तो व्यवस्था बनेगी, परंतु अभी दिखाई देता है कि परिवार व्यवस्था किस प्रकार से होती है। तो समाधान होता है तभी हमारे परिवार में समृद्धि का भाव होता है, तभी हम आपस में न्याय भी कर पाते हैं, तभी हम दूसरे परिवारों साथ ठीक से जुड़ पाते हैं। तो परिवार में व्यवस्था होती है तो परिवार समूह में धीरे धीरे व्यवस्था फलित होने लगती है। तो सुबह के सत्र में अभी जो शेयरिंग हो रही है उसमें कई साथियों ने भी शेयर किया कि कैसे अपने परिवार में व्यवस्था सुनिश्चित करते हो, कुनबे में भागीदारी कर पा रहे हैं। अब ऐसे ही जब हम अपने कुनबे में भागीदारी करते हैं तो आगे गांव के स्तर पर व्यवस्था बनती है। तो जो निश्चित क्रम है वो इस प्रकार से दिखाई देता है। अब अगर ऐसा कहें कि एक परिवार में 10 लोग हैं तो परिवार समूह में 100 लोग हुए, उससे आगे चलें तो 1000 लोग हुए, और करते हुए अगर हम 10 स्टेप्स में देखें तो पूरे विश्व परिवार जिसमें 1000 करोड़ लोग हो सकते हैं उनके लिए पूरी हम समुचित व्यवस्था की योजना, कार्यक्रम, क्रियान्वयन कर सकते हैं, है ना। इस रूप में हमें अपनी भागीदारी दिखाई देती है। अब अभी आप देखेंगे कि अभी देश में भी व्यवस्था के लिए कार्यक्रम चल रहे हैं, विश्व में भी व्यवस्था के लिए कार्यक्रम चल रहे हैं, परंतु यदि हम समाधान को केंद्र में न रखें तो ऊहापोह की स्थिति बनी रहती है, संघर्ष बना रहता है ना।
आपस में परस्पर स्नेह के बजाय द्वेष का भाव बना रहता है, सुविधा का सदुपयोग के बजाय शोषण शासन संग्रह आदि चलता रहता है। तो हमें दिखाई देता है कि मूल में मानव लक्ष्य की स्पष्टता जरूरी है। मानव लक्ष्य की स्पष्टता के साथ समाज के भिन्न भिन्न आयामों में मेरी भागीदारी किस प्रकार से होगी, इसका दिखना जरूरी है। और यदि हम समाज के अस्तर व्यवस्था को सुनिश्चित करने जाते हैं तो उसका समुचित स्वरूप क्या होगा? परिवार व्यवस्था होगी तभी परिवार समूह में होगी, तभी परिवार समूह के समूह जिसको ग्राम कह सकते हैं, कॉलोनी कह सकते हैं, फिर उसके ऊपर होगी। हमें अगर इस विधि से बढ़ेंगे तो एक निश्चित स्वरूप दिखाई देगा, नहीं तो फिर वो उलट फेर की स्थिति बनी रहती है। आज हमें ये व्यक्ति या समूह ज्यादा उचित दिखाई देते हैं, 5 साल 10 साल बाद कोई दूसरा समूह उचित दिखाई देता है, और इस तरह से उलट फेर लगा रहता है। तो ये हमें समाज की व्यवस्था जब ठीक से स्पष्ट होती है तो हम उसका क्रियान्वयन भी अपने दैनिक जीवन में ठीक ठीक कर पाते हैं। इस बात को हम लोग आगे ध्यान रखेंगे। तो जैसा कि पिछले व्याख्यानों में चर्चा की गई है, सही समझ हमें समग्र विकास और मानवीय समाज यानी सार्वभौम मानवीय व्यवस्था की दृष्टि प्रदान करती है। तो ये बात तो हम लोग कई बार कहते हैं, जब हम लोगों ने पिछले नैतिक आचरण पर बात की थी तो 2 मॉडल्स पे बात किया था। पहले मॉडल में ये जो बात हुई थी कि एसेंस में देखें तो अनुभव की ओर मेरी गति करना मुख्य बात है। मैं जितना जितना स्वयं में अनुभव की ओर गति करता हूँ उतना ही मैं फैल कर सार्वभौम मानवीय व्यवस्था भागीदारी कर पाता हूँ। और ध्यान रहे कि हम सिर्फ शब्दों में बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ है ना विचार नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ थियरी पे बात नहीं कर रहे, बल्कि हम जीने की बात कर रहे हैं। तो हमें से हर साथी, जो भी साथी भी जुड़े हैं इस मीटिंग में, हम सभी को एक्सप्लोरर्स हैं। तो हमें देखने की जरूरत है कि मैं स्वयं में सही समझ के लिए, अनुभव के लिए, गति करने के लिए क्या प्रयास कर रहा हूँ, कितना समय लगा रहा हूँ। साथ ही हमें देखना है कि हमारे आसपास कैसे बेहतर व्यवस्था बने। अगर हम गांव में रह रहे हैं तो गांव की व्यवस्था कैसे बेहतर बने, कॉलोनी में रह रहे हैं कॉलोनी में व्यवस्था बेहतर व्यवस्था कैसे बने, शहर की बेहतर व्यवस्था कैसे बने, वहां हम कैसे भागीदार हो सकते हैं। तो हमें दोनों तरफ काम करने की जरूरत है। इस तरह के मॉडल के लिए उपयुक्त तकनीकी उत्पादन तंत्र और प्रबंधन मॉडल आदि के विकास की आवश्यकता होगी। और हम में से ज्यादातर साथी चूंकि शिक्षा से जुड़े हैं तो हम लोग तकनीकियों पे बात करते ही रहते हैं, उत्पादन तंत्र पे बात करते ही रहते हैं, प्रबंधन पे बात करते ही रहते हैं ना, तो हम किसी रूप में इनसे जुड़े हुए हैं। और अभी हम UHV का कोर्स पढ़ाते हैं, हम तकनीकी और उत्पादन और प्रबंधन के कोर्स भी पढ़ाते हैं, और कई बार ये सिंक्रोनस नहीं लगते, आपस में लगता है कि मेल नहीं खा रहे। एक तरफ हम कुछ तरह की बातें करते हैं, दूसरी तरफ हम कुछ और तरह की बातें करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम तकनीकी की जब बात करते हैं तो हम नेचुरल रिसोर्सेज के राइट यूटिलाइजेशन की बात नहीं करते, बल्कि अधिक से अधिक एक्सट्रैक्शन की, एक्सप्लॉटेशन की बात करते हैं। उत्पादन की बात जब करते हैं तो हम जिन लोगों से जुड़ के काम कर रहे हैं उनसे न्याय की बात नहीं करते, उसको हम सिलेबस से बाहर कर देते हैं। हम ज्यादातर समय जब ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं तो कैसे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो जाए, कैसे संसाधनों का मिनिमाइजेशन हो जाए, और भी बहुत सारी चीजें बात करते हैं, परंतु संबंध को कई बार ध्यान में रखकर, ओवरऑल व्यवस्था को ध्यान में रख के बात नहीं करते हैं कि नहीं। तो अभी प्रबंधन में भी देखें तो हम को तो सुविधा की कितनी आवश्यकता स्पष्ट नहीं होती, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन गोल बना रहता है। हमारे यहाँ भी MBA का कोर्स चलता है तो मार्केटिंग की एक फैकल्टी है ना, वो कई बार हमसे कहते हैं कि सर मैं भी वर्कशॉप की हूँ, मुझे बहुत लगता है, और मैं परंतु मैं मार्केटिंग में जो पढ़ा रही हूँ उससे ये ठीक ठीक मेल नहीं खाता। तो ऐसा लगता है कि या तो है ना ह्यूमन वैल्यूज के आधार पर कोर्स चलेंगे या फिर मार्केटिंग के अभी जो प्रचलित कोर्स है वो चलेंगे, इन दोनों में मुझे मेल नहीं दिखाई देता। क्या हो सही स्वरूप क्या हो ना, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का सही स्वरूप क्या हो कि नहीं, इन सब पे बात होनी जरूरी है। अकाउंटिंग कर रहे हो, अकाउंटिंग का पर्पज क्या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है या राइट यूटिलाइजेशन है। तो अभी आपको दिखाई देगा कि एक गैप बना हुआ है, हम जो ह्यूमन वैल्यूज के कोर्स पढ़ रहे हैं पढ़ा रहे हैं उसमें, और जो तकनीकी उत्पादन और प्रबंधन के कोर्सेज पढ़ रहे हैं पढ़ा रहे हैं उसमें एक गैप बना हुआ है। जब वैल्यू बेस्ड एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो इनको सिंक्रोनाइज करने की जरूरत है, धीरे धीरे हमें कोर्सेज को मॉडिफाई करना होगा, किसी रूप में मॉडिफाई हो भी रहे हैं ना, किसी रूप में लोगों का ध्यान जा भी रहा है। जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में देखें तो ये बात कही जा रही है कि ह्यूमैनिटीज के कोर्सेज को बढ़ाने की जरूरत है। नैक में देखें तो कह रहे हैं अगर आप रिसर्च कर रहे हैं तो एक्सटेंशन भी जरूरी है, आप खाली अपने कमरे में बैठ के, लैब में बैठ के रिसर्च मत करिए, आप देखिए कि
जो समाज का सुविधा विहीन मानव है उस तक आपकी तकनीकी, आपका सूचना, आपका ज्ञान पहुंच पा रहा है कि नहीं, उससे आपका क्या उपकार हो रहा है। अभी इस आकलन, इस आधार पर आकलन भी होने लगे हैं कि आपके टेक्नोलॉजी से, आपके सिस्टम से समाज का एक निचला तबका है, क्या उपकार हुआ? अगर उपकार हुआ तब तो आपका तकनीकी उत्पादन उपयोगी, अन्यथा नहीं। तो हमें ऐसे तकनीकी उत्पादन तंत्र तो मॉडल की जरूरत है। अभी हम लोगों ने इंडक्शन प्रोग्राम में कुछ घंटों का इनपुट दिया, फिर उसके बाद हम लोगों ने सेकेंड ईयर में अभी UHV2 कोर्स को पढ़ाना शुरू किया। अभी माइनर डिग्री भी आ गया है ना, तो माइनर डिग्री के थ्रू बच्चे को डिग्री भी मिलेगी। वैसे ही इलेक्टिव कोर्सेज भी ऑफर किए जा रहे हैं, और उसका अगला स्टेप ये होगा कि धीरे धीरे सारे कोर्सेज को ट्रांसफॉर्म करना ताकि वो वैल्यू बेस्ड बने। अभी एक और बड़ा काम हुआ, इसमें हमें मूलभूत सिद्धांतों पर काम करना होगा। माइनर डिग्री में प्रयास हो रहा है कि हम साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स के मूलभूत सिद्धांतों पर बात करें कि मूल्य शिक्षा के साथ दृष्टि में परिवर्तन कैसे हो रहा है, अभी मनोविज्ञान कैसे देखता है और हम अब कैसे देख सकते हैं, अभी समाजशास्त्र कैसे देखता है मानव को, समाज को, और हम इस पूरी समझ के आधार पर कैसे देख सकते हैं, अभी इकोनॉमिक्स में सुविधा को, प्रॉफिट को किस रूप में देखा जा सकता है, और हम देख सकते हैं। तो इन सब पे अभी धीरे धीरे हमें काम करने की जरूरत है, और ये एक लंबा काम है, परंतु हमें तैयारी तो आज से ही करनी है। कम से कम ये हमारे पास फ्रीडम अभी भी रहता है क्लासरूम में, जब हम पढ़ा रहे हैं किसी कोर्स को, तो जो टॉपिक्स है हमने बोर्ड पे लिख दिए, PPT लिख दिए, उसका डिस्क्रिप्शन क्लासिफिकेशन हमने रख दिया, परंतु जब हम एक्सप्लेन कर रहे हैं बच्चे को तो हमारा चॉइस है ना, तो क्या हम उसको मानवीय ढंग से एक्सप्लेन कर सकते हैं? तो इसलिए जरूरी है समझना कि हम तकनीकी में क्या इंटरवेंशन कर सकते हैं, उत्पादन में, प्रबंधन में क्या इंटरवेंशन कर सकते हैं, इसको ठीक से समझें। तो वर्तमान समय में नवीन प्रौद्योगिकियों को और प्रणालियों, उपकरणों, तकनीकों, मॉडलों के विकास को और अपनाने के लिए बहुत उत्साह है लोगों में, जिनके बारे में समाज की बेहतरी का दावा किया जा रहा है, जिससे समाज बेहतर होता जा रहा है। नई नई प्रौद्योगिकी आ रही है, तकनीकी आ रही है, नए नए मॉडल इवॉल्व हो रहे हैं, समाज से बेहतर हो रहा है, अधिक से अधिक परिष्कार और जटिलता भी जुड़ी जा रही है, नए नए इनोवेशन हो रहे हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ते जा रहे हैं टेक्नोलॉजी में। हालांकि अधिकांश प्रयास जो है, प्रमुख विश्व दृष्टिकोण जो भौतिकवादी है उसके प्रभाव में ही चल रहे हैं। तो अभी जो विश्व प्रति दृष्टि बनी हुई है भौतिकवादी है। भौतिकवादी का मतलब क्या हुआ? मानव शरीर में जीना, कोई सुख मान जीना, सुविधा को बढ़ाने को ही विकास मानना, सुविधा के जरिए पूरे विश्व पे अपना दबदबा कायम करने को ही विजय के रूप में देखना, अपने विकास के रूप में देखना। कहने की जरूरत नहीं कि ऐसे प्रयासों में समग्र विश्व को विश्व दृष्टिकोण गायब है। परिणाम स्वरूप इन नवाचारों की संरचना और उपयोग या दुरुपयोग दोनों ही अक्सर दीर्घकालिक मानव कल्याण के विपरीत प्रतिकूल साबित हो रहे हैं। तो अभी जब बात होती है ग्लोबल वार्मिंग की, है ना, न्यूक्लियर वारफेयर की, जेनेटिक वारफेयर की, और अभी देखिए तो एक दिन भी ऐसा नहीं बीत रहा जब युद्ध ना हो रहे हैं। पिछले अगर आप 1-1.5 वर्षों में देखें तो एक भी दिन ऐसा नहीं बीता विश्व में जब युद्ध ना हो रहे हैं। इसके पहले थोड़ा सा रुका भी, परंतु ऐसा लग रहा है कि ये एक पार्ट एंड पार्सल बन गया है समाज का। अगर लोग रह रहे हैं धरती पे तो युद्ध होते रहेंगे। रशिया और यूक्रेन के बीच का युद्ध रुक नहीं रहा, इधर हमास और इसराइल के बीच का युद्ध रुक नहीं रहा, ऐसे युद्धों की संभावना बनी हुई है। और आप देखिए तो जो हथियार हैं अधिक से अधिक विध्वंसक होते जा रहे हैं। तो हम ऐसे टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, टेक्निक्स डेवलप करें, मॉडल्स डेवलप करें, प्रोडक्शन सिस्टम डेवलप करें तो ठीक है, परंतु उसका सदुपयोग कैसे सुनिश्चित हो, ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अभी इंटरनेट ऑफ थिंग्स आ गया है, IoT, है ना, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, तो ये बात हो रही है कि अगर इसी प्रकार से AI को हम आगे बढ़ाते रहे और उसके सदुपयोग के बारे में नहीं सोचा, हमने समुचित मानदंड अगर नहीं बनाए, तो आज से 20 साल बाद ये तकनीकी इतनी बड़ी हो जाएगी कि शायद हमको इनसे संघर्ष करना पड़ेगा। जो अपराध हो रहे हैं वो अपराधों की सीमा बहुत बढ़ जाएगी, युद्ध बहुत ज्यादा विध्वंसक हो जाएंगे। इसलिए मानवीय समाज के लिए अनुकूल बनाने के लिए सही समझ द्वारा संचालित समग्र उद्देश्यों के साथ प्रौद्योगिकी प्रणाली आदि को विकसित करने की सख्त आवश्यकता है। तो
तो अगर हाल में जो डेवलपमेंट्स हुए हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, अगर उसको एक नज़र में देखा जाए तो चार इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बताए जाते हैं। जो प्रथम औद्योगिक क्रांति है, जो लगभग 1760 या 1765 कह लें उसके आसपास का है, तो आपको इसमें वेरिएशन मिलेगा अगर आप गूगल करेंगे तो, बट लगभग 1760 बताते हैं, जब कोयले की खोज हुई और बड़े पैमाने पे कैसे उसका निष्कर्षण किया जाए, कैसे निकाला जाए धरती से, इस पे तकनीकें विकसित हुई। और शक्ति के स्रोत में देखें तो भाप रहा मुख्य रूप से, और इसी भाप से संचालित इंजन। तो अगर फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को देखें तो स्टीम पावर मेनली दिखाई दिया, और उससे जो इंजन चलते थे उससे इंडस्ट्री चलने लगे, उससे ट्रेन चलने लगी, तो एक मेजर परिवर्तन आया है ना। कृषि से उद्योग की ओर बदलाव दिखाई दिया, मैकेनाइजेशन शुरू हो गया, प्रक्रियाओं का मशीनीकरण शुरू हुआ, मास प्रोडक्शन शुरू हुआ। मास प्रोडक्शन के लिए अधिक से अधिक रॉ मटेरियल कैसे लाया जाए और जो बना हुआ गुड्स है उसको कैसे दूर तक पहुंचाया जाए। तो आप देखें कि लगभग इस समय उपनिवेशवाद शुरू हुआ है ना, कॉलोनीज बनाने शुरू किए लोगों ने, अंग्रेजों के द्वारा कॉलोनीज बनाना, मुख्य रोम के देशों के, रोमन कल्चर के देशों के द्वारा कॉलोनीज बनाना शुरू हुआ। वैसे ही दूसरी औद्योगिक क्रांति आती है लगभग 1870 के आसपास, में बिजली, गैस और तेल इनकी खोज हुई और इंटरनल कंबशन इंजन बनाया गया। और यहाँ से एक दूसरा चरण शुरू हुआ रिवॉल्यूशन का। तो अभी तक स्टीम था मेनली सोर्स पावर का, अब बिजली आ गई, उद्योग तो बिजली से चलने लगे, गैस आ गया है ना, तेल की खोज हुई, पेट्रोल डीजल आदि तेलों खोज हुई, तो उसके साथ इंटरनल कम्बशन इंजन बनाया गया, आंतरिक दहन इंजन। तो इंटरनल कम्बशन इंजन बना तो फैक्ट्रीज इंटरनल कम्बशन इंजन से चलने लगे, गाड़ियां चलने लगी, टेलीग्राफ और बाद में टेलीफोन के साथ संचार प्रौद्योगिकी में भी विकास हुआ। और जब तेल आया तो तेल से चलने वाले उपकरण बनने लगे, तो उसमें हवाई जहाज और कार का भी आविष्कार हुआ, तो एक नई स्थिति बनी। तीसरी औद्योगिक क्रांति में देखें तो डिजिटल रिवॉल्यूशन हुआ, इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया। तो 1969 में पीएलसी, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर का आविष्कार हुआ। उसके बाद से बताते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति आई, उसके बाद कंप्यूटर आने लगे। कंप्यूटर का वैसे आविष्कार तो और पहले हुआ था, परंतु इसको इंडस्ट्री में जो प्रयोग करना है या सिस्टम्स में, गवर्नमेंट सिस्टम्स में प्रयोग करना है आदि अगर देखें तो इस समय लगभग शुरू हुआ। इंडस्ट्रीज में रोबोट का प्रयोग शुरू हुआ और ऑटोमेशन शुरू हुआ, और ये लगभग आप देखें तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के कुछ वर्षों बाद ऐसा शुरू हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान भी लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स में थोड़ा बहुत काम किया था, परंतु उसको इंडस्ट्रियल यूज में लाना शुरू हुआ मेनली इस समय के बाद से। और कहते हैं कि एक सूचना का युग भी शुरू हुआ कंप्यूटर के आने के बाद से। अभी जो चल रहा है वो फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है, चौथी औद्योगिक क्रांति है। अब आप देख सकते हैं कि अभी हम लोग इंटरनेट के माध्यम से जुड़े हैं, तो इसको एक क्रांति के रूप में देखा जाता है कि इंटरनेट की क्रांति शुरू हुई है ना लगभग 2000 के आसपास। उससे पहले इंटरनेट था परंतु बहुत ही सीमित उपयोग में था। अगर 90s के आखिरी पड़ाव में देखें तो इंटरनेट का प्रयोग धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है, और इस सदी के शुरुआत में देखें तो काफी फैल चुका होता है। और अभी हम लोग देख रहे हैं ना कि इंटरनेट के माध्यम से कैसे हम कनेक्टेड हैं, कैसे एक दूसरे से संवाद कर पा रहे हैं। उद्योग में सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों का अनुप्रयोग शुरू हुआ। वैसे ही सौर, पवन और भूतापीय जैसी नवीनीकरण ऊर्जा का ओर झुकाव हुआ, उसके है ना रूप में बहुत सारा काम होने लगा। तो रिन्यूएबल एनर्जी सच एज सोलर, विंड एंड जियो थर्मल, इनका प्रयोग बड़े पैमाने में शुरू हुआ। सोलर पैनल्स को अब देखें तो अब जगह जगह दिखाई देता है। जैसे अभी कोचीन में हम लोग एक वर्कशॉप के लिए गए थे तो पूरा का पूरा एयरपोर्ट ही सोलर पे चल रहा है। अब ऐसे कई एयरपोर्ट्स बनने लगे जो सोलर पे चल रहे हैं, लगभग सारे IITs में सोलर पैनल्स बिछा दिए गए हैं और कई सारे लैब सोलर पे चल रहे हैं। अब कॉलोनीज में भी सोलर का प्रचलन बढ़ रहा है, तो सोलर का प्रचलन बढ़ रहा है, जहाँ जहाँ पे विंड एनर्जी पर्याप्त अवेलेबल है वहाँ टर्बाइन्स लगाए जा रहे हैं, विंड टर्बाइन्स। जहाँ जियो थर्मल सोर्सेज अवेलेबल हैं मेनली यूरोप में है, तो वहाँ पे इनका प्रयोग ज़्यादा हो रहा है। और दूसरे टेक्नोलॉजी में देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एडवांस रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है ना, इन तरह के उद्योगों का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। तो इस रूप में देखें तो तकनीकी आगे बढ़ रही है, तकनीकी के साथ साथ इनका उत्पादन आगे बढ़ रहा है, उत्पादन के साथ साथ इनके द्वारा प्रबंधन
जो किया जा सकता है वो आगे बढ़ रहा है। अब अगर हम अपनी सुविधा की आवश्यकता को देखें तो तीन भाग में दिखाई देता है, शरीर का पोषण करना, शरीर का संरक्षण करना, शरीर का सदुपयोग करना। तो शरीर का सदुपयोग करने की दृष्टि से हमें तीन तरह के साधनों की जरूरत होती है, दूरगमन, दूरदर्शन और दूरश्रवण। तो आप देख पाएंगे कि जब टीम पावर आया तो दूरगमन की सुविधाएं बढ़ी, है ना। वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स आने के साथ दूरश्रवण दूरदर्शन की जो उपकरण थे इनकी संख्या बढ़ने लगी, इनका उपयोग बढ़ने लगा। तो अभी भी हम इनके लिए प्रयोग कर रहे हैं और ये सारी तकनीकियां जो विकसित हुई हैं उसका हम दूरगमन दूरश्रवण दूरदर्शन में प्रयोग कर रहे हैं। औद्योगिक क्रांतियों को अगर आप देखें तो इन्होंने भौतिक सुविधाओं के उत्पादन संरक्षण और सदुपयोग के लिए नई तकनीकें प्रदान की हैं, ये हम सभी देख ही पा रहे हैं, इसमें बहुत ज्यादा विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है। तकनीकियों का सही उपयोग समाज के सभी आयामों में कार्य करते हुए मानव लक्ष्य की पूर्ति के लिए किया जा सकता है और परिवार व्यवस्था से विश्व परिवार व्यवस्था तक सार्वभौम मानवीय व्यवस्था के लिए काम किया जा सकता है। तो तकनीकी अपने आप में कोई नकारात्मक चीज नहीं है, तकनीकी का अगर हम समुचित सदुपयोग करें तो मानव लक्ष्य को पूरा करना और सहज सरल हो सकता है। अभी आप देख सकते हैं पैंडेमिक के समय हम लोगों ने ऑनलाइन वर्कशॉप शुरू किया, उससे पहले कल्पना में भी नहीं था कि ऑनलाइन वर्कशॉप हो सकते हैं। तो जितने लोगों तक हम पहुंच पा रहे थे बहुत सीमित क्षेत्र के लोग थे, कम लोगों तक पहुंच पा रहे थे। फेस टू फेस वर्कशॉप के अपने जरूर गुण हैं, अपने उपयोग हैं, परंतु जो हमारा पहुंच था कम लोगों तक था, वर्कशॉप की संख्या कम थी। अब अगर जैसे ही ऑनलाइन वर्कशॉप शुरू हुआ तो लगभग हर हफ्ते में एक वर्कशॉप बनने लगे, और अभी आप देख ही रहे हैं कि अब ऑनलाइन भी वर्कशॉप हो रहे हैं, फेस टू फेस भी वर्कशॉप हो रहे हैं, और हम लोग 2 वर्ष में ही पूरे देश में फैल पाए। जहाँ एक या दो प्रदेश में काम हो पा रहा था उसके बजाय पूरे देश में काम शुरू हो गया। और ये सब कैसे हुआ अगर आप देखें तो इसमें इंटरनेट का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा, कंप्यूटर का महत्वपूर्ण योगदान रहा, नए नए प्लेटफॉर्म्स आ गए। मैंने तो जूम शब्द ही नहीं सुना था अप्रैल 2020 के पहले, और अचानक जूम पे हम लोगों ने बातचीत करना शुरू किया। अब अभी भी जूम पे हम लोग कनेक्टेड हैं और ऐसा हो गया जैसे ये बहुत ही घर घर में प्रचलित वस्तु की तरह है। तो मूल्य आधारित शिक्षा के लिए अगर हम सदुपयोग की बात करें, है ना, तो तकनीकी का किस प्रकार से हो सकता है। तो अगर हम अपने द्वारा किए जा रहे सदुपयोग को देखें तो पहले हम लोग जब वर्कशॉप कंडक्ट करते थे तो ब्लैक बोर्ड पे चौक या भट्ठे से लिखकर वर्कशॉप होते थे, अगर आप 90s को याद करें। उसके बाद व्हाइट बोर्ड्स आ गए, मार्कर आ गए, उसका प्रयोग होने लगा। उसके बाद कंप्यूटर के माध्यम से हम लोग इस वस्तु को रखने लगे, प्रोजेक्टर लगने लगे, प्रोजेक्टर से स्लाइड्स को सामने रखकर पूरी बात होने लगी। अब अभी हो गया कि इंटरनेट के माध्यम से प्रोजेक्टर की जरूरत नहीं रही, हम एक दूसरे तक कंटेंट को शेयर कर पा रहे हैं और बहुत ही इफेक्टिवली कंटेंट शेयर हो रहा है। अभी आप देखिए तो हम में से ज्यादातर साथी इंटरनेट के माध्यम से ही जुड़े होंगे, और इतना हम लोग मन लगा रहे हैं, है ना, साथ साथ जुड़ के काम कर रहे हैं और पूरे समाज की व्यवस्था के लिए भागीदार हो पा रहे हैं। हर व्यक्ति 24 में से कम 2 घंटे लगा रहा है स्वयं समझने के लिए और दूसरों तक वस्तु पहुंचाने के लिए, मिनिमम 2 घंटे लगा रहा है। अब इसमें आप देखें तो इन सब नई तकनीकियों का बहुत लंबा बहुत बड़ा सदुपयोग है। अब इनके माध्यम से हम लंबी दूरी तक पहुंच पाए, सुदूर स्थानों तक पहुंच पाए, ऐसे रिमोट लोकेशंस मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट में किसी राज्य में पहुंचकर वर्कशॉप कंडक्ट करने में हमको जाने में कहीं 2 दिन लग जाता। फ्लाइट से भी आप जाइए तो उसमें कठिनाई यह है कि महंगा भी पड़ता, बहुत सारा ईंधन भी खर्च होता, बहुत सारा उसमें लॉजिस्टिक शामिल होता, है ना। अब हम लोग बड़ी आसानी से इंटरनेट के माध्यम से पहुंच पा रहे हैं, एक वाइड रेंज ऑफ पीपल तक हम पहुंचने में सक्षम हो पाए हैं, है ना। शिक्षा से जुड़े हुए परिवार में घर में रहे नहीं, फिर शिक्षा के लिए सामग्री ऑनलाइन उपलब्ध है। तो अभी जो भी कंटेंट अभी हम लोग शेयर कर रहे हैं उसको हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं, यूट्यूब चैनल पर डाल देते हैं, जो जब भी उसको सुनना चाहे सुन सकता है। अब इसको और इंटरेक्टिव बनाने की बात हो रही है, स्वयं पोर्टल पे और इंटरेक्टिव कैसे बनाया जाए, दूसरे पोर्टल से प्लेटफॉर्म से कैसे इंटरेक्टिव बनाया जाए, तो इसको हम लोग बहुत और इफेक्टिव बना सकते हैं। चैटबॉट्स बनाने की बात हो रही है ना, कि ऐसे ऐप्स बनाए जाए, चैटबॉट्स बनाए जाए जिसमें आदमी कभी भी कंटेंट को रेफर करके अपने डे टू डे लाइफ के प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर सकता है। जैसे आप बैठे हैं और आप रेस्टलेस हो रहे हैं, एंगजाइटी हो रही है ना, आपने चैटबॉट ऑन किया और पूछा मेरे अंदर क्या फीलिंग है, उसको हमने शेयर किया, वहां से कुछ समाधान मिला। तो जो काम हम व्यक्ति से व्यक्ति संवाद के द्वारा कर रहे थे अब वो हम नई तकनीकियों के माध्यम से कर सकते हैं। तो इंटरनेट के माध्यम से गतिविधियों का और बेहतर समन्वय भी हो पा रहा है, ये हम लोग देख ही पा रहे हैं। आगे अगर देखें तो मूल्य आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हम लोग विश्व के स्तर पर सम्मेलन कर सकते हैं, ग्लोबल कॉन्फ्रेंसेस कर सकते हैं, है ना।
ऐसे कॉन्फ्रेंसेस कर सकते हैं जो राउंड द क्लॉक चले, ठीक है। तो अगर हम पूरे विश्व के टाइम डोमेन्स को स्टडी करें, टाइम जोन्स को स्टडी करें, तो ऐसे हम लोग वर्कशॉप और ऐसे कॉन्फ्रेंसेस प्लान कर सकते हैं जो कि पूरे विश्व तक हमको कनेक्ट कर पाए। हमको अपने घर से कहीं जाने की जरूरत ना पड़े और घर बैठे बैठे हम पूरे विश्व से जुड़ सकते हैं और उनको कुछ सार्थक वस्तु पहुंचा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि विश्व के हर कोने में सही दिशा में काम करने वाले लोग बैठे हुए हैं, हम एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। वहां भी कुछ लोग फॉर्मुलेट करके बैठे हैं हारमोनी का कैसा होगा, है ना, रिलेशनशिप कैसे बेहतर बनेंगे, कुछ फॉर्मुलेशन बना के बैठे हैं लोग, काम भी कर रहे हैं, हम तक उसकी सूचना नहीं है। एक इम्पॉर्टेंट पार्ट तो ये भी है कि विश्व भर में जितने सार्थक काम हो रहे हैं उन सबकी सूचना हम एक दूसरे शेयर कर पाए। हम लोग पास एक ऐसा कंटेंट है जो यूनिवर्सल है, रैशनल है, वेरीफाइबल है, लीडिंग टू हारमोनी है ना। अन्य दिशाओं में भी प्रयास हो रहे होंगे, हम एक दूसरे तक पहुंच नहीं पा रहे, परिचित नहीं हो पा रहे, इसको हम लोग बिल्कुल आगे ले जा सकते हैं। अगले एक दशक में इसके लिए हम लोग को बड़े पैमाने पे काम करने की जरूरत है। तो एक तरफ तो देखें तो हमने देश में उच्च शिक्षा में काफी सारा काम कर लिया है, तो उसको अब धीरे धीरे नीचे लाकर प्राइमरी एजुकेशन और प्राइमरी एजुकेशन से भी और नीचे लाकर आंगनबाड़ियों तक पहुंचने की जरूरत है ना। एक तो ये है जिसको कहते हैं कि एक वर्टिकली हमको मूव करना है ना, ऊपर से नीचे की ओर, तब उच्च शिक्षा से आगे बढ़ते हमको आंगनबाड़ियों तक पहुंचने की जरूरत है। दूसरी तरफ उच्च शिक्षा में जो अभी काम हुआ है देश भर में उसके पूरे विश्व में फैलाने की जरूरत है। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों इंटीग्रेशन करने की जरूरत है और उसमें नई तकनीकियों का बहुत ही समुचित सदुपयोग हो सकता है। वैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग हम कर सकते हैं ना, डॉक्यूमेंटेशन के लिए, एनालिसिस के लिए, इंफॉर्मेशन को प्रचार प्रसार करने के लिए। अभी ये देखने में आ रहा है कि मीटिंग करिए और मीटिंग का प्रेस नोट अपने आप बन जाता है एआई को लेकर। अभी मैं कोई बात रख रहा हूँ, ये हिंदी का तो शायद इंग्लिश में हिंदी में ना हो पाए ट्रांसक्रिप्शन, परंतु यदि इंग्लिश में बात रखी जाती उसका ट्रांसक्रिप्शन तैयार होता है और जो भी हमने कहा वो तुरंत एक नोट्स के रूप में तैयार हो जाता है एआई के माध्यम से। तो डॉक्यूमेंटेशन में, डिसेमिनेशन में, एनालिसिस में बहुत ज़्यादा सहयोगी होने वाला है अगर हम इसका सदुपयोग करें। और इसी तरह से आगे बढ़ते हुए हम लोग समाज के हर आयाम में काम कर सकते हैं। शिक्षा संस्कार में कर रहे हैं, उसमें भी हम अभी एक सीमित दायरे में कर रहे हैं। शिक्षा संस्कार को हम उसके हर आयाम में इसको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। स्वास्थ्य में काफी सारा काम हो सकता है, क्यों, रोगियों की लाइन लगी हुई है ना हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। एक तरफ तो हम कहते हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल सुविधाओं की कमी है, पर दूसरी तरफ इतने लोग क्यों बीमार पड़ रहे हैं। तो अगर उनके अंदर संयम का भाव विकसित हो पाए तो बीमारियां भी कम होंगी, लोग कम बीमार होंगे और ये बीमारी का भय कम होगा, जिससे कारण संग्रह कम होगा, शोषण कम होगा, उत्पादन कार्यों को और बेहतर बनाया जा सकता है ना। जैसे ये बिल्कुल पॉसिबल है अगर ठीक से सप्लाई चेन मैनेजमेंट पे काम किया जाए, तो जो व्यक्ति जहाँ रह रहा है वहीं जाकर कुछ उत्पादन करे और जहाँ आवश्यकता हो वहाँ वस्तु को पहुँचा दिया जाए। किसी पैमाने पे हो भी रहा है, ये आजकल जो डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं कंपनीज, उनको देखे तो ऐसे ही कर रहे हैं कि आप अपने स्टोर हाउस में सामान रखिए, आपको दुकान रखने की जरूरत नहीं है, अपने दुकान के सामान को, अपने स्टोर हाउस के सामान को आप कहीं दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। तो उत्पादन को लोकली बढ़ाया जा सकता है, जहाँ जो संसाधन उपलब्ध है वहाँ वो उत्पादन करें और वहाँ के क्षेत्र को समृद्ध करते हुए बाकी सारे क्षेत्रों में सुविधा की आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है। न्याय सुनिश्चित किया सकता है, न्याय में है ना सही प्रस्ताव पहुंचाना एक बात है, दूसरा अन्याय को रोकना। तो आप देख ही पा रहे होंगे कि इससे अन्याय को रोकने में भी काफी सहयोग मिल रहा है। तो न्याय सुनिश्चित करना एज वेल एज अन्याय को रोकना, वैसे ही प्रकृति की सुरक्षा करना और उसके दोहन को कम करना, इन सब में सदुपयोग हो सकता है जो नई तकनीकियां हैं। वैसे विनिमय में हम लोग देख ही रहे हैं, आज से कुछ समय पहले हम लोग को जेब में कैश रख के चलना पड़ता था, आज सिंपली मोबाइल में एक ऐप के माध्यम से हम विनिमय कर लेते हैं। वैसे ही कोष की अगर बात करें तो है ना, इसका सदुपयोग भी हो रहा है, दुरुपयोग भी हो रहा है, परंतु अगर हम देखें तो हमारे लिए आज के दिन कोष करने के लिए अलग से कोई बहुत बड़ी सुविधा जुटाने की जरूरत नहीं है। सहजता से हम अपने लिए आवश्यक सुविधाओं का कोष कर पा रहे हैं या उसके लिए विनिमय के लिए हम कोष कर पा रहे हैं। तो अगर हम तकनीकी का, प्रबंधन का सदुपयोग करें तो इसके हर आयाम में, समाज के हर आयाम में समुचित ढंग से हम काम कर सकते हैं और समाज में न्याय सुनिश्चित कर सकते हैं, सबके लिए सुख समृद्धि के लिए कार्यक्रम बना सकते हैं। जी, जो मैंने इतनी बात रखी इस पे यदि किन्हीं कोई प्रश्न हो, कोई शेयरिंग हो तो रख सकते हैं। तो कुछ होलिस्टिक क्राइटेरिया बनाए जा सकते हैं क्या, उसको ध्यान में रखते हुए कुछ बिंदु यहाँ रखे गए हैं।
तो उचित आवश्यकताओं और जीवन शैली को पूरा करना, जो भी हमारे सही जीने की विधि बनेगी, वैल्यू बेस्ड लिविंग होगा, उसको कैसे पूरा किया जाए। तो उसके अर्थ में जितनी भी तकनीकी है, प्रबंधन है, प्रोडक्शन है, वो उपयोगी है हमारे लिए। वैसे ही इको फ्रेंडली होना बनता है, तो पर्यावरण के अनुकूल हो, यानी साइक्लिक प्रोसेस, चक्रीय प्रक्रियाओं को प्रयोग करें, रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी, इन सब चीजों का प्रयोग करें, म्यूचुअल एनरिचिंग प्रोसेस हो तो नवीनीकरण पॉसिबल हो उसमें, पारस्परिक पूरक रूप से एक दूसरे को समृद्ध वाले तकनीकी का प्रयोग किया जाए। वैसे ही पीपल फ्रेंडली हो, इंश्योरिंग सेल्फ डेवलपमेंट एंड म्यूचुअल फुलफिलमेंट इन द ह्यूमन बींग्स, तो लोगों के सुख समृद्धि के अनुकूल हो, लोगों के अंदर तनाव परेशानी पैदा करने के बजाय लोगों के जीने को सुख समृद्धि पूर्ण बनाए, ऐसी तकनीकी हो, तो मानव में उससे अब विकास हो पाए, मानव में जो विकास होना है उसके अर्थ में हो, और संबंधों में परस्पर पूरकता हो पाए, मानव के शाब्दिक से प्रकृति के साथ भी। वैसे यूजर फ्रेंडली हो, जो उसको उपयोग करने वाले लोग हैं, है ना, तो उपयोगकर्ता के अनुकूल हो, यानी सेफ हो, इकोनॉमिकल हो, और ह्यूमन कैपेबिलिटी को एनहांस करे, तो सुरक्षित हो, संसाधनों को बचाए और मानवीय क्षमता को बढ़ाने वाला हो। इसके अलावा इन्हें स्थानीय आत्मनिर्भरता और स्थानीय संसाधनों और विशेषज्ञता के इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देने की जरूरत होगी। तो ये आपको दिखाई देगा कि जैसे हमारे शरीर के पोषण और संरक्षण की जो आवश्यकताएं हैं उसको हम लोकली पूरा कर सकते हैं, या शरीर के पोषण के लिए भोजन की जरूरत है, भोजन को लोकली उगाए, ज्यादा फ्रेश खाने को मिलेगा, उस वातावरण, उस है ना, वायुमंडल के हिसाब से ज्यादा उपयोगी भोजन होगा हमारे लिए, शरीर का स्वास्थ्य उससे बेहतर बनेगा। तो अगर हम लोकल फूड खाएं तो ज्यादा अच्छा है, क्यों, हम इंडिया में बैठकर ऑस्ट्रेलिया से फल मांग खाएं, है ना, यूरोप से फल मांग खाएं, हमारा फल सब्जी दूध दही, है ना, अनाज मसाला सब लोकली उत्पादन होता हो तो ज्यादा अच्छा है। तो शरीर के पोषण के लिए हमें जरूरी है कि हम लोकल रिसोर्सेज को ज्यादा यूटिलाइज कर पाए। वैसे ही शरीर के संरक्षण के लिए भी, मकान बनाना है, जो मेटेरियल अवेलेबल है उसका हम सदुपयोग करें, मकान बनाए, कपड़े बनाए उन्हीं चीजों से जो हमें आसपास मिलते हैं, तो ज्यादा उपयोगी रहेगा हमारे लिए। तो फूड तो बिल्कुल लोकली ग्रो कर सकते हैं, एक गांव के स्तर पर पूरे गांव के लिए भोजन की पर्याप्त व्यवस्था हो सकती है ना। कपड़ों की बात करें तो गांव के समूह के स्तर पर हो सकती है, हर गांव में मिल हो के जरूरी नहीं है, बट गांव के 10 गांव के बीच में ऐसा मिल हो सकता है, या 100 गांव के बीच में ऐसा मिल हो सकता है जहाँ पे कपड़े बने, मिल हो, हथकरघा हो, जैसा भी हो। और मकान बनाना है वो भी हम लोकली बना सकते हैं, लोकल मटेरियल से, उसमें कुछ संसाधन होंगे जो हमें बड़े पैमाने बनाने पड़ेंगे, जैसे सरिया बनाना है तो स्टील का उत्पादन करना होगा और बड़े पैमाने पे होगा, है ना, सीमेंट है बड़े पैमाने पे, बट कुछ और मटेरियल है, ईंट वगैरह है, हम लोग लोकली बना सकते हैं। तो हम अगर देखेंगे तो पाएंगे शरीर के पोषण और संरक्षण के लिए जो सुविधा की आवश्यकता है उसको बिल्कुल लोकली पूरा किया जा सकता है, उसमें लोकल रिसोर्सेज, लोकल टेक्निक्स, लोकल एक्सपर्टीज, इनका प्रयोग कर सकते हैं, और जो नेचुरल प्रोसेस है उनका प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप जैसे असम की ओर जाएंगे तो कैसे गाँव मिलेंगे, अब शायद थोड़ा परिवर्तन हो रहा होगा, गाँव मिलेंगे जहाँ आप पाएंगे कि बांस का ही ज्यादातर प्रयोग है घर बनाने में भी, तो हर घर में, है ना, खेती होती है और दो चीजें बहुतायत होती हैं, धान और ये बांस, तो लोग बांस का बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं। खाने में आप जाएंगे तो धान का, चावल का बहुत ज्यादा प्रयोग है, तीनों टाइम चावल खाते हैं, और घर बनाने के लिए बैम्बूज का बहुत प्रयोग करते हैं ना, अब तो छत बनाने के लिए टिन शेड ले आते हैं, अदरवाइज पहले बैम्बू से ही छत ही बनते थे, और इतना सुलभ है वो कि मान लीजिए कल परिवार में शादी हुई, दो, है ना, लोग और बढ़ गए परिवार में, हमने बांस का एक नया कमरा बनाया, घर का एक्सटेंशन हो गया, सिंगल स्टोरी फ्लैट्स हैं सारे ही, तो कोई कठिनाई नहीं है घर बनाने में, उसको बचाए रखने में, इतना इजीली शरीर के संरक्षण की आवश्यकता पूरी हो जाती है। तो इन व्यापक मानदंडों के प्रकाश में प्रौद्योगिकी, उत्पादन प्रणाली, प्रबंधन मॉडल के क्षेत्र के मूल्यांकन के लिए विशिष्ट मानदंड भी तैयार कर सकते हैं। तो ये अगर ओवरऑल देखें तो ये क्राइटेरिया बनते हैं, इको फ्रेंडली हो, पीपल फ्रेंडली हो, यूजर फ्रेंडली हो, और हमारे नीड्स को ठीक से फुलफिल कर पाए। उसके एडिशनली देखें तो लोकल रिसोर्स का अधिक से अधिक यूटिलाइजेशन कर पाए।
जी नेटवर्क चला गया था। मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ भैया, हाँ आ रही है आवाज। तो जो हमारे रियल नीड्स हैं वो पूरी हो पाए, तभी इस तरह का हम लोग का जीना हो गया है। तो अगर आप सोचे कि इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड फ्री मिले खाने को तो नहीं मिलता है ना, दूध ठीक शुद्ध दूध मिले वो नहीं मिलता, तो इस तरह की समस्या बढ़ती जा रही है। तो हमारे जो रियल नीड्स है पूरा नहीं हो पा रहा है, भले हम भोजन का उत्पादन ज्यादा कर रहे हैं ना, वैरायटी बढ़ती जा रही है, परंतु जो उसकी क्वालिटी है वो डिग्रेड होती जा रही है। तो यहाँ पे जरूरत है हमारी सही समझ की, ताकि हम अपने नीड्स को ठीक से आइडेंटिफाई भी कर पाए, पूरा भी कर पाए। तो ऐसी जो नेचुरल सिस्टम्स हैं, साइकिल्स हैं, उसका हम ठीक से सदुपयोग कर पाए। तो जो प्रकृति में प्रणालियां पहले से बनी हुई है, चक्र बने हुए हैं, उसके साथ सुसंगत तरीके से उत्पादन करता है। मानव शरीर, जानवरों, पौधों और अन्य प्राकृतिक सामग्रियों के प्रभावी उपयोग की सुविधा प्रदान करना। तो अभी क्या हुआ है, मैकेनाइजेशन तो हमने बहुत सारा किया है, बट उससे हमारा जो ह्यूमन मसल पावर का यूज है घट गया है। तो लोग ये भी कह रहे हैं कि जैसे जैसे अब देखें तो डिजाइन पे काम हो रहे हैं, ऑटोमेशन पे काम हो रहा है, लोग पहले से अधिक आलसी होते जा रहे हैं। इसलिए बहुत सारा हमारा रोग इसलिए है क्योंकि लोगों का चलना फिरना, श्रम करना, शरीर नहीं, अब पैदल चलना पहले से बहुत कम हो गया, साइकिल चलाना बहुत कम हो गया है, मैनुअली काम बहुत हो गया है। जैसे आप देखें तो पहले हमारी दिनचर्या में कुछ चीजें थी, जैसे नहाने के पहले कपड़ा धोना, कपड़े धोने के लिए हम लोग है ना हाथ से कपड़े धोया करते थे। अब वॉशिंग मशीन आ गया तो वो श्रम हमारा बच गया है। कहीं भी जाना हो, हमने बाइक कार उठा लिया, तो जो पैदल चलना था वो कम हो गया, साइकिल का प्रयोग कम हो गया है। अब मनमानी भी कहीं कहीं पैसे बढ़ती जा रही है। अभी एक सूचना आई थी कि एनसीआर में कोई हाउसिंग सोसाइटी है, उसने एक नियम बनाया है कि हाउसिंग सोसाइटी का कोई व्यक्ति मोटरसाइकिल पर नहीं चलेगा, पैदल भले चलेगा या कार पर चलेगा, बट मोटरसाइकिल पर नहीं चलेगा, मोटरसाइकिल बिलो स्टैंडर्ड है। तो अब आप देख सकते हैं कि एक तरफ तो हम सो कॉल्ड एजुकेटेड होते जा रहे हैं, बट दूसरी तरफ हमारी नई नई किस तरह की मान्यताएं बनती जा रही है ना। हो सकता है किसी कॉलोनी में साइकिल चलाने का रोक लग जाए, तो हमें ये देखना होगा कि कैसे हम अपने रिसोर्सेज का सही यूटिलाइजेशन कर पाए, अपने ह्यूमन मसल पावर को कैसे यूटिलाइज कर पाए। एनिमल्स का भी पहले बहुत अच्छा प्रयोग था, बट हाँ जरूर उनका शोषण ना हो इतना सुनिश्चित करना जरूरी है। तो एनिमल्स का प्रयोग करें भी, पर उनका शोषण ना हो इसको ध्यान रखना जरूरी है। सुरक्षित उपयोगकर्ता है ना के अनुकूल और स्वास्थ्य के लिए अनुकूल तकनीकी विकसित करना, सेफ हो, यूजर फ्रेंडली हो, कंडीसिव टू हेल्थ हो, लो कॉस्ट एंड एनर्जी एफिशिएंट, कम लागत में बने और ऊर्जा कुशल हो। कम लागत का मतलब उस संसाधनों का बहुत ज्यादा प्रयोग ना हो, जहां तक संभव हो स्थानीय संसाधनों और विशेषज्ञता के साथ उत्पादन किया जाए। नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों के उपयोग को बढ़ावा दिया जाए, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को, मानवीय संपर्क और सहयोग को बढ़ावा देना जिससे ह्यूमन इंट्रैक्शन बढ़े, है ना। एक अच्छी बात यह है कि हम लोग इंटरनेट के माध्यम से रेगुलरली इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, हर सुबह हम लोग 2 घंटा आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, है ना। कम से कम टोटल अगर देखें तो काउंट जो है 300 से ऊपर ही रहता है, इतने लोग हम लोग रेगुलरली इंटरेक्ट कर पा रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी का ऐसा सदुपयोग हो पाना, बजाय ऐसे कि हम किसी कोने में बैठ के मोबाइल पे कोई देख रहे हैं, हम उस समय का सदुपयोग कर रहे हैं, है ना, आपस में इंटरेक्ट करने के लिए, ज्ञानवर्धन के लिए, समझ के लिए। विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना, तो जैसे मैंने बताया कि शरीर के पोषण संरक्षण के लिए सुविधाओं का तो बहुत ही विकेंद्रीकृत ढंग से उत्पादन हो सकता है, तो केंद्रीकृत करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों ऐसा हो कि एक जगह बड़े पैमाने पर अनाज पैदा किया जाए, उस जगह पे अभी हमें यह भी ध्यान देने की जरूरत है कि क्या हम लोग अपने अपने घरों में किसी प्रकार से कुछ और चीजें उत्पादित कर सकते हैं, जैसे सब्जियां उत्पादित कर सकते हैं। तो अभी जैसे कई सारे ऐसे टेक्निक्स आ रहे हैं कि आप घर में खेती करें, छत पे खेती करें, पीछे आंगन में खेती करें, है ना। वर्टिकल फार्मिंग भी कहते हैं कि आप कैसे दीवार पे प्रयोग कर सकते हैं। तो हमें कुछ चीज़ों को तो और बढ़ाने की जरूरत है, विकेंद्रीकरण को और ठीक से बढ़ाने की जरूरत है। फिर उत्पादों की बढ़ी हुई स्थायित्व, जीवन क्रम और पुनर्चक्रण क्षमता, यानी कि एनहांस ड्यूरेबिलिटी, जो प्रोडक्ट्स हम बनाए वो ज़्यादा ड्यूरेबल हों, उनका लाइफ ज़्यादा लंबा हो और रिसाइकलेबल हो, नेचर में वापस लौट जाए, ना कि प्रदूषण पैदा करें। तो अगर टेक्नोलॉजी की बात करें स्पेसिफिक, तो ये कुछ क्राइटेरिया निकल कर आते हैं। अब प्रोडक्शन सिस्टम्स की बात करें तो कुछ मुद्दों पे
निर्णय होना जरूरी है, जैसे व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस। इसी को अगर हिंदी में कहें तो उत्पादन प्रणालियों के प्रकार को निर्धारित करने के क्रम में ये मुख्य प्रश्न है जिस पर उत्तर जरूरी है कि क्या उत्पादन करें, क्या उत्पादन करने योग्य है, क्या उत्पादन करने योग्य नहीं है। उत्पादन करना है ना, क्या उत्पादन करेंगे ये तो तय होना जरूरी है। क्या शराब का उत्पादन करेंगे, नशे का उत्पादन करेंगे, है ना, या अनावश्यक चीजों का उत्पादन करेंगे, या कुछ आवश्यक चीजों का उत्पादन करेंगे, कैसे करेंगे, किस विधि से करेंगे, नेचर के लिए कैसे फुलफिलिंग होगा, किसके लिए करेंगे, कहीं हम ओवर कंजम्पशन को, इंडिपेंडेंस को बढ़ाने के करेंगे, या हर व्यक्ति की आवश्यकता को ठीक ठीक पूरा करने के लिए करेंगे। इसमें भी आप देखेंगे तो पाएंगे कि जो सुविधा विहीन है और जो सुविधा संपन्न है, दोनों तरफ उत्पादित वस्तुओं का दुरुपयोग हो रहा है। अगर आप देखें गांव में भी जो लोग बीमार पड़ रहे हैं उसका प्रमुख दो तीन कारण देखा जाता है, एक तो नशा करना, दूसरा बहुत सारा मांसाहार करना, है ना, तो तीसरा संयम के भाव के साथ शरीर का ध्यान न रखना, ना कंजम्पशन सिर्फ बढ़ाते जाना, इस तरह के कारणों से रोग बहुत बढ़ रहे हैं। कितना उत्पादन करना है तो ये दिख ही रहा है अभी कि धरती पे जो कुल भोजन का उत्पादन हो रहा है आवश्यकता के 6 गुना है, फिर भी लोग भूख से मर रहे हैं। तो उत्पादन की मात्रा कमी नहीं है, परंतु तो सही जगह नहीं पहुंच पा रहा। हम अनाज पैदा करते हैं, फिर सुअर खिलाते हैं, फिर सुअर को खाते हैं, अब उसमें सुअर का भी शोषण कर रहे हैं, हम भोजन का भी दोहन कर रहे हैं, भोजन का दुरुपयोग कर रहे हैं। अगर हम अनाज उत्पादन करके सीधे सीधे खाएं तो हमारे शरीर का स्वास्थ्य भी बढ़ेगा और किसी पशु का शोषण भी नहीं होगा। समाज में व्यवस्था के विभिन्न आयामों के माध्यम से मानव लक्ष्य पूर्ति के बारे में अध्ययन करते समय इन प्रश्नों पर चर्चा की गई थी पहले भी। इसलिए आवश्यकताओं को मानव लक्ष्य के अनुरूप चित्रित किया जाना बनता है कि ह्यूमन गोल्स कैसे फुलफिल करें, समाधान समृद्धि अभय सहअस्तित्व को ध्यान में रखकर हम कैसे आवश्यकताओं को तय करें और उन्हें वहां परिभाषित प्रणालियों के माध्यम से पूरा किया जाना बनता है। यह सब किसी भी समूह के लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों और विशेषज्ञता की उपलब्धता के संदर्भ में तय किया जाएगा। और कैसे हम लोकल एक्सपर्टीज को, लोकल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करें ज्यादा से ज्यादा उत्पादन के लिए, एक मुझे बहुत अच्छी संभावना दिखती है जो शुरू भी हुआ था परंतु अभी उस पर थोड़ी सी रोक लग गई है। अब जैसे पैंडेमिक के समय क्या वर्क फ्रॉम होम शुरू हुआ, जब वर्क फ्रॉम होम शुरू हुआ और इंटरनेट की सुविधा अगर गाँव में है तो बहुत सारे लोग शहर छोड़ के गाँव चले गए, है ना, गाँव में अपने परिवार के साथ, कुनबे के साथ, अपने ही घर में रह रहे हैं, है ना, और काम भी कर रहे हैं। बट उसमें थोड़ा सा ये हुआ कि अनएथिकल काम शुरू हो गया, लोगों ने धोखा देना शुरू किया, तो फिर कंपनी ने वापस बुला लिया उनको। बट यदि लोगों के अंदर अगर सही समझ हो तो आप पाएंगे कि इस विधि से वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा दिया सकता है, उससे जो आवागमन की आवश्यकता है काफी कम होगी, जो शहरों में भीड़ लगती जा रही है उसके कारण बहुत सारी समस्याएं हैं, प्रदूषण बढ़ रहा है, संसाधन कम हो रहे हैं, वाटर टेबल नीचे जा रहा है ना, सड़कों पर भीड़ बढ़ रही है, उसके लिए अधिक से अधिक उपकरणों को बनाने की जरूरत पड़ रही है, नए नए सड़कों को बनाने की जरूरत पड़ रही है। तो अगर हम कुछ ऐसी तकनीकों को और ठीक से सदुपयोग करें, लोगों के अंदर समझ हो, तो इस तरह की विधियों का प्रयोग करते हुए हम माइग्रेशन को बहुत कम कर सकते हैं। आज के दिन माइग्रेशन है ना एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसके कारण आप पाएंगे अगर आप ठीक से स्टडी करें तो बहुत सारी नई नई समस्याओं को जन्म दे रहा है। तो यदि हम गाँव में जहाँ लोग रह रहे हैं वहाँ न्याय सुनिश्चित कर पाए, वहाँ हम लोगों को सुविधाएं उपलब्ध करा पाए, लोगों तक सही शिक्षा पहुंचा पाए, यानी से लोगों में समझ विकसित हो, तो ये आवेश समाज में काफी कम होगा, और आवेश कम होगा तो व्यवस्था बढ़ेगी, यानी हार्मनी बढ़ेगी। यह सब किसी भी समूह के लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों और आवश्यकता की उपलब्धता के संदर्भ में तय किया जाएगा। तो ये अगर हम कुछ विशिष्ट मानदंड देखें तो इस रूप में दिखाई देता है। तो उसको और थोड़ा सा स्पेसिफाई किया जाए तो ऐसा दिखाई देगा कि मानव, पशु, वायु, सौर, भूमि, जल, अन्य जैव और खनिज संसाधनों आदि सहित स्थानीय संसाधनों और विशेषज्ञता का इष्टतम और कुशल उपयोग हो पाए, यानी कि जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन मसल पावर है, एनिमल पावर है, विंड पावर है, सोलर पावर है ना, इन सब का हम ठीक से सदुपयोग कर पाए, प्लांट्स हैं, आर्थिक व्यवहार्यता और स्थिरता, उस इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बने और से लोगों का एक दूसरे की आवश्यकता को पूरा करने में ठीक भूमिका हो पाए, स्थानीय उपभोग को प्राथमिकता दी जाए, जो लोकली हमको जरूरी है उसको हम ठीक से पूरा कर पाए,
उत्पादन के पैटर्न को स्थानीय वातावरण में उपलब्धता या उत्पादकता और उपभोग के पैटर्न के साथ मिलान करना। इसको मुझे लगता है थोड़ा हिंदी और इंग्लिश लेके चले तो अच्छा रहेगा, कई लोगों को नए सारे शब्द समझ में आएंगे। मैं इंग्लिश को भी रख देता हूँ, फिर मैं हिंदी को रख देता हूँ। तो पहली बात जो हमने कही कि ऑप्टिमल एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज एंड एक्सपर्टीज इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, एयर, सोलर एंड लैंड, वाटर, बायो एंड मिनरल रिसोर्सेज, इकोनॉमिक वायबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी हो, प्रायोरिटी फॉर लोकल कंजम्पशन हो, मैचिंग द पैटर्न ऑफ प्रोडक्शन विद अवेलेबिलिटी और प्रोड्यूसिबिलिटी इन द लोकल इन्वायरमेंट एंड द पैटर्न ऑफ कंजम्पशन, ये सब स्पेसिफिक क्राइटेरिया हों जिसके आधार पर हम चयन करेंगे उसका। डिसेंट्रलाइज सिस्टम्स कैपेबल ऑफ मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ पीपल इन द कम्युनिटी, फैसिलिटेटिंग प्रोडक्शन बाई मासेज एंड नॉट मास प्रोडक्शन इन सेंट्रलाइज मोड टू द एक्सटेंट पॉसिबल, प्रमोटिंग इंडिविजुअल क्रिएटिविटी एंड सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट। इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे अभी हम बहुत बड़े उत्पादन तंत्र का एक छोटा हिस्सा बन जाते हैं, कई बार हमें पूरा प्रोडक्ट नहीं दिखाई देता। तो अगर कुछ ऐसे तरीके निकाले जाए कि एक व्यक्ति पूरे प्रोडक्ट को बना के डेवलप करके दे, तो उसके अंदर क्रिएटिविटी भी आती है, एक सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट भी आता है। तो ये एक तरीका हो सकता है, एक मात्र नहीं परंतु ये भी आवश्यक है। जैसे आप हो सकता है एक फर्नीचर बनाते हैं, फर्नीचर का सिर्फ आप एक कील बनाते हैं, पूरा फर्नीचर आपको कभी दिखाई नहीं देता। बट यदि इसकी अनुकूलता बने कि आप पूरा फर्नीचर बना सकते हैं तो आपको दिखता कि हाँ ये देखो मैंने फर्नीचर बनाया और इसका ये सदुपयोग है, और मेरे द्वारा बनाए गए चीज का मैंने ही सदुपयोग किया। यूजिंग पीपल फ्रेंडली एंड इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी, इससे पहले भी बात हुई, इंश्योरिंग रिक्विजिट क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, हार्नेसिंग रिसाइकलिंग कंजर्वेशन एंड रीयूज पॉसिबिलिटीज। तो हम रीयूज मतलब किसी चीज को दोबारा प्रयोग करना, कंजर्व करना, उसको बचा के रखना, संरक्षित रखना, है ना, उसको रिसाइकल करना, दोबारा प्रयोग में लाना, सेफ एंड कंडूसिव टू द हेल्थ ऑफ पर्सन इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन एज वेल एज अदर्स, अल्टीमेटली इट शुड बी कंड्यूसिव फॉर सेल्फ डेवलपमेंट। अल्टीमेटली देखें तो गोल तो हमारा सेल्फ डेवलपमेंट है कि मानव का विकास हो, उसी को हिंदी में कहें तो पहले कहें उसके साथ जोड़े हुए। तो उत्पादन के पैटर्न को स्थानीय वातावरण में उपलब्धता या उत्पादकता और उपभोग के पैटर्न के साथ मिलान करना, विकेंद्रीकृत प्रणालियां समुदाय में लोगों के सार्थक रोजगार में सक्षम हो, ऐसा हो जहां तक संभव हो केंद्रीकृत मोड में पैमाने को उत्पादन किया जाए द्वारा उत्पादन की सुविधा प्रदान और उपलब्धि की भावना को बढ़ावा देना, क्रिएटिविटी को और एकम्प्लिशमेंट को है ना एनरिच करना, लोगों के अनुकूल और पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकी का उपयोग करना, उत्पादन की अपेक्षित रिसाइकलिंग यानी पुनर्चक्रण संरक्षण। जी, तो लोगों के अनुकूल और पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकी का उपयोग करना, उत्पादन की अपेक्षित गुणवत्ता और मात्रा सुनिश्चित करना, रिसाइकलिंग करना, कंजर्वेशन करना यानी पुनर्चक्रण, कंजर्वेशन संरक्षण, पुनः उपयोग की संभावनाओं का उपयोग करना, उत्पादन में शामिल व्यक्तियों के साथ साथ अन्य लोगों के स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित होना, अनुकूल होना। अब जैसे कई सारे ऐसे फैक्ट्रीज हैं जहाँ पे हम छोटे बच्चों को लगा दिया करते हैं काम करने, जैसे चूड़ी उद्योग है तो छोटे बच्चे लग जाते हैं, है ना। अब आप समझिए कि जिस तरह के वो वातावरण में काम करते हैं उनको लंग्स की प्रॉब्लम बहुत सारी शुरू हो जाती है, तो एक तो उनके जो शिक्षा है उससे वंचित हो गए, है ना, बहुत बचपन से ही उनके लंग्स की प्रॉब्लम शुरू हो गई, श्वास के लिए ठीक नहीं है। तो जहाँ पे भी कुछ ऐसा वातावरण अगर है तो उसके लिए समुचित व्यवस्था करना। तो ये कैसे हो और कैसे ऐसा करते हुए जो फैक्ट्री चलाने वाले लोग हैं, है ना, मिल चलाने वाले लोग हैं वो भी समृद्ध हों, और साथ में जो उनके साथ काम करने वाले लोग हैं वो भी समृद्ध हों। वैसे मैनेजमेंट की अगर बात करें तो प्राइमरीली मैनेजमेंट मॉडल्स आर टू बी रिलेशनशिप बेस्ड, कोऑपरेटिव एंड श्योरिंग जस्टिस इन टर्म्स ऑफ म्यूचुअल फुलफिलमेंट एंड नॉट कोअर्सिव और एक्सप्लॉयटेटिव। स्पेसिफिकली अगर बात करें तो द होल यूनिट वर्किंग एज ए वेल निट फैमिली, कोऑपरेटिव, मोटिवेशनल एंड म्यूचुअली फुलफिलिंग, इंश्योरिंग करेक्ट अप्रेजल ऑफ ह्यूमन लेबर एंड स्किल्स, टारगेटिंग एम्प्लॉयर एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन एज वेल एज कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, नॉट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पार्टिसिपेटिव मोड ऑफ मैनेजमेंट, कंटिन्यूअस वैल्यू एडिशन ऑफ द पर्सन इन्वॉल्व, इफेक्टिवली इंटीग्रेटिंग इंडिविजुअल कॉम्पिटेंसीज एंड कॉम्प्लीमेंटैरिटी।
इसी को हिंदी में अगर रख देते हैं तो मुख्य रूप से प्रबंधन मॉडल संबंधित आधारित सहयोगात्मक और परस्पर पूरकता के संदर्भ में न्याय सुनिश्चित करने वाले होने चाहिए, न कि जबरदस्ती और शोषण करने वाले, एक्सप्लॉयटेशन न हो है ना, और डोमिनेशन न हो, बल्कि ऐसे मॉडल हो जिसमें कि हम रिलेशनशिप को केंद्र में रखकर चलें। जैसे अगर हम लोग कॉलेजेस में हैं तो ये बहुत जरूरी है कि कॉलेज में हम कुछ ऐसे मीटिंग्स रखें जिसमें हम लोग एक दूसरे से ठीक से संवाद कर पाए रिलेशनशिप को लेकर। कॉलेजेस में देखें तो क्लास 4 इम्प्लॉयज भी हैं, क्लास 3 इम्प्लॉयज भी हैं है ना, प्रोफेसर्स भी हैं, डायरेक्टर्स भी हैं और चेयरपर्सन्स भी हैं। तो क्या आपस में हम एक दूसरे के साथ संवाद कर पाते हैं? चेयरमैन की निगाह में कॉलेज हो सकता है सुविधा पैसा कमाने का एक स्रोत मात्र है ना, और उनको लगता है कि ये जो इम्प्लॉयज हैं ये सिर्फ हमारे टूल्स हैं और ये लोग सिर्फ पैसे के लिए आते हैं, पैसे के लिए काम करते हैं, कोई और थोड़ा सा ज्यादा पैसा दे देगा तो कॉलेज छोड़ के चले जाएंगे, तो इनसे हमारा कोई संबंध नहीं है ना इनका हमसे कोई संबंध है। हो सकता है फैकल्टी भी ऐसा ही सोचती हो कि मेरे लिए तो सिर्फ पैसा कमाने का सोर्स है ये कॉलेज, हम आते हैं क्योंकि मुझे सैलरी मिलती है, सैलरी देते हैं तो काम करते हैं, नहीं देते हैं नहीं काम करते हैं। तो अगर हमारे दृष्टि में ही सुविधा है तो चाहे चेयरमैन की तरफ देखें चाहे फैकल्टी की तरफ देखें, दृष्टि तो एक ही प्रकार की, लाभ की दृष्टि। तो संबंध की दृष्टि क्यों नहीं है? अगर संबंध की दृष्टि हो तो अगर फैकल्टी में भी संबंध की दृष्टि बन जाए कॉलेज के प्रति, बच्चों के प्रति, मैनेजमेंट के प्रति, तो मैनेजमेंट के अंदर भी धीरे धीरे दृष्टि बनने लगती है, उनको भी दिखता है कि ये यहाँ पे शिक्षा देने के लिए आ रहे हैं, सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं। अभी बच्चों के अंदर भी कैसी दृष्टि बन रही है, एक कॉलेज के किसी फैकल्टी ने कहा, शेयर किया मुझसे कि बच्चे आज के दिन ऐसा कहते हैं कि सर आपको सैलरी तो हमारे फीस से मिलती है ना, इसलिए हम जैसा चाहेंगे वैसा आपको पढ़ाना आपकी जिम्मेदारी है, अगर हम फीस ना दें तो आपको सैलरी नहीं मिली, आपका घर नहीं चलेगा। तो बच्चों के अंदर भी ऐसी दृष्टि बन रही है कि ये जो फैकल्टी है सिर्फ पैसे के लिए आते हैं, पैसा तो हम देते हैं तो हम इनके मालिक हैं है ना, हम इनके ऊपर डोमिनेट कर सकते हैं। खैर जब फैकल्टी ने ऐसा कहा तो मैंने कहा कि आपको बच्चे से पूछना चाहिए कि तुमको फीस कैसे मिलता है, पेरेंट्स से मिलता है, पेरेंट्स को सैलरी कहाँ से मिलती है। तो अगर पूरे चक्कर को देखें तो हम सब जुड़े हुए एक दूसरे से है ना, तो बच्चों के तो किसी भी तरह के प्रश्न हो सकते हैं, किसी भी तरह के भाव विचार हो सकते हैं, हमारे में समाधान होना जरूरी है। फिर वैसे ही तो अगर हम प्रबंधन की बात करें तो सहयोगात्मक हो, कॉम्प्लीमेंटैरिटी हो, एक दूसरे के साथ संबंध को देख पाए, स्नेह को देख पाए, परस्पर पूरक हो, हम मानव श्रम और कौशल का सही मूल्यांकन सुनिश्चित करना है ना। जैसे अगर अभी भी हम ये सुनिश्चित कर पाए समाज में कि हर व्यक्ति के पास सुविधा को उत्पादन की व्यवस्था हो, जिसे कहते हैं कि हर हर काम हर हाथ को काम मिले है ना, और काम का सही दाम मिले, यानी जो उसने श्रम किया उसका सही मूल्य मिले, तो ये पहले से भी बात उतरी है कि हर हाथ को काम मिले, हर काम को सही दाम मिले। इसका मतलब कि व्यक्ति के अंदर श्रम करने की क्षमता हो, व्यक्ति श्रम करे और श्रम का उसको उचित मूल्य मिले, तो समृद्धि धीरे धीरे बढ़ेगी समाज में है ना, ये जो संग्रह का भाव है कम होगा। नियोक्ता कर्मचारी संतुष्टि के साथ साथ उपभोक्ता संतुष्टि को लक्षित करना, तो जिनके लिए हम प्रोडक्शन कर रहे हैं है ना, उनकी भी आवश्यकता ठीक से कैसे पूरी हो, अधिकतम लाभ सुनिश्चित करना नहीं। अभी भी आप देखें तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए जो लोग काम कर रहे हैं, स्टार्टअप्स हों चाहे इंडस्ट्रीज हों है ना, अनलेस वो कोई बहुत ही मैनिपुलेशन कर रहे हो, आप पाएंगे उनका ज़्यादा दिनों तक काम चल नहीं पाता है। तो अगर हम मैनिपुलेशन करें, हम सोचें कि हमें लोगों को बुद्धू बनाना है, अधिक से अधिक पैसा कमाना है, ठगना है लोगों को, तो आप पाएंगे कि ऐसे इंडस्ट्रीज, ऐसे स्टार्टअप धीरे धीरे डूब जाते हैं है ना। ऐसे एक नहीं सैकड़ों उदाहरण है, अगर आप गूगल करेंगे, यूट्यूब पे देखेंगे तो सैकड़ों उदाहरण है। अब जैसे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है तो एडुटेक के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आए, उनको ऐसा लगा कि ठीक है हम हाई फाई बातें करेंगे, लोगों को नए नए सपने दिखाएंगे, इनसे पैसे लेंगे है ना, और लोग जुड़े रहेंगे, बट ऐसा हुआ नहीं। तो वो लोग जो पहले बिलीनियर्स थे, आज की ये हालत हो गई कि लोगों को सैलरी देने के लिए है ना घर तक गिरवी रखना पड़ रहा है, तो लोगों ने मूल्यांकन किया उनका। तो अगर हम सबके शुभ की सोचेंगे, सबके सुख की सोचेंगे, सबके समृद्धि की सोचेंगे, तो हम जो उत्पादन कर रहे हैं या तंत्र में कहीं भागीदार हैं वो स्थायी होगा, टिकाऊ होगा, अन्यथा वो नहीं टिकाऊ हो पाएगा। जिम्मेदारी का ठीक से बंटवारा करना, प्रबंधन का सहभागी तरीका डेवलप करना, शामिल व्यक्तियों का निरंतर मूल्यवर्धन करना, जैसे ये मैं अपने कॉलेज में भी लोगों को कहता हूँ कि भाई आज आपके दिन आज के दिन आपके पास जो काम है, अगर इससे आपके घर की आवश्यकता पूरी नहीं होती तो जो भी आपके पास एक्स्ट्रा समय है, मान लीजिए आप स्वीपर हैं कॉलेज में, ठीक है, स्वीपिंग का काम आपने सुबह 3 घंटा किया, आपको दोपहर बाद 3 घंटा करना है, बीच में बैठ के आप क्यों मोबाइल पे वीडियो देख रहे हैं, म्यूजिक सुन रहे हैं,
उसमें बैठ के आप कुछ कोर्सेज स्टडी कर लीजिए, ऑनलाइन तो बहुत सारे कोर्सेज हैं, फ्री कोर्सेज हैं, तो आपका अपना भी डेवलपमेंट होगा, स्किल डेवलपमेंट होगा। ह्यूमन वैल्यूज को वर्कशॉप करिए, ऑडिट मोड में हम लोग लोगों को वर्कशॉप्स करा पाते हैं। इस प्रकार से मैंने अपने यहाँ कई सारे स्टाफ को वर्कशॉप कराया ऑडिट मोड में, भले ही उनको सर्टिफिकेट नहीं मिल सकता, तो कुछ सही कंटेंट तो जा ही सकता है ना। और आप पाएंगे कि लगभग हर जगह लोगों के पास दिन में अपना दैनिक काम करने के बाद 2 घंटे 4 घंटे फ्री रहते हैं। इन 2 4 घंटों में अगर कुछ सार्थक सुने, सीखें, समझें, तो हमारा धीरे धीरे वैल्यू एडिशन होता रहता है। इस वैल्यू एडिशन से हमारी योग्यता और बढ़ती है। तो हो सकता है आज हम स्वीपिंग का काम कर रहे हैं, बट हम उसमें और कुछ बेहतर नया सीख सकते हैं, कल नए तरह काम शुरू कर सकते हैं, नहीं कोई उद्योग शुरू कर सकते हैं। ये भी लोग जो ठेला लगा कर सड़क किनारे अपना सामान बेच के पैसा कमा रहे हैं, अगर वो भी वैल्यू एडिशन करें, समझें और सीखें नए नए चीजें, है ना, तो परिवार सहित मिलकर या अपने साथियों के साथ मिलकर कुछ बड़ा काम कर सकते हैं ना, अपने लिए भी और समाज के लिए भी। वैसे व्यक्तिगत दक्षताओं और पूरकता को प्रभावी ढंग से एकीकृत करना, तो जो पर्सनल स्किल्स हैं उसको और ठीक से यूटिलाइज करना। अब अगर आज के दिन जो प्रिवेलिंग सिस्टम्स हैं उसकी अगर थोड़ी सी समीक्षा की जाए, तो दिखता है कि वर्तमान समय में जो प्रणालियां हैं बड़े पैमाने पे जो प्रमुख दृष्टि बन गई है भौतिकवादी, उसके प्रभाव में है। इससे एक तरफ संसाधनों की कमी का खतरा पैदा हो गया है, और दूसरी तरफ प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं पैदा हो गई हैं। तो औद्योगिक जो प्रौद्योगिकी है, जो नई टेक्निक्स हैं, टेक्नोलॉजी है ना, उन सबके और प्रणालियों की अन्य अवांछनीय विशेषताओं में उनका केंद्रीकृत विन्यास, फिजूल खर्ची की ओर बढ़ावा देना, मानव निर्मित गैजेट्स, मशीनों और सामग्रियों द्वारा मानव, पशु और अन्य प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक परिवहन तथा प्रतिस्थापन होना, बड़े पैमाने पर गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर निर्भर होना, ये सब शामिल है। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत ज्यादा हम अभी मशीनों का एनर्जी का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं जिसकी जरूरत नहीं हो सकती है। तो जहां तक मानव चेतना का संबंध है, इसने मानव विकास और मानव पूर्ति को कम प्राथमिकता दी है, उसको बढ़ाने की जरूरत है। तो अभी अगर आप देखें तो जो मेजर दृष्टि बनी हुई है वो प्रिय हित और लाभ की दृष्टि बनी हुई है। उद्योग भी वही ज्यादा चल पा रहे हैं जो इन दृष्टियों को पूरा करते हैं, प्रिय की दृष्टि को, हित की दृष्टि को, लाभ की दृष्टि को, उसके आधार पर हमें संबंध की दृष्टि को, व्यवस्था की दृष्टि को विकसित करने की जरूरत है। ये काम अभी हम एजुकेशन में कर पा रहे हैं, हमको कॉर्पोरेट में, इंडस्ट्रीज में भी करने की जरूरत है। और इसका कई तरह के अवसर हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, जैसे लेबर कमीशन है ना, लेबर कमीशन के थ्रू बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है। अगर हम लेबर कमीशन में जाके वर्कशॉप्स करें और जो बच्चे आज के दिन रोजगार के लिए आगे बढ़ रहे हैं उन तक कुछ सही बात पहुंचे, तो धीरे धीरे ये बात समाज में एक घुल मिल जाएगी। इस तरह की बहुत सारी संभावनाएं हैं। नेचर से अगर हम सीखने जाए, ट्रेडिशनल प्रैक्टिस सीखने जाए, तो उसमें बहुत सारा कुछ सीख सकते हैं। समग्र प्रणालियों में देखें तो है ना, अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए हमें प्रकृति की प्रणालियों और पारंपरिक प्रथाओं से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। तालाब, अनेक कलाकृतियों के माध्यम से जल संचयन, भंडारण है ना, उपयोग प्रणाली, पारंपरिक कृषि पद्धतियां हैं, अनाज के भंडारण की पद्धतियां हैं, खाद्य संरक्षण की प्रथाएं हैं, सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं में प्रचलित भोजन और आश्रय साझा करने की, जैसे लंगर का सिस्टम हुआ करता था, पारंपरिक जो उपचार की विधियां थी, स्थानीय लोकल है ना देखभाल करने की जो स्वास्थ्य की विधियां थी, वैसे योग आयुर्वेद तो प्रचलित है, प्राकृतिक चिकित्सा है, ऐसे बहुत सारी पारंपरिक विधियां हैं, परिवार आधारित ग्रामीण उद्यम, तो जो ट्रेडिशनली पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे बहुत सारे उत्पादन तरीके चल रहे हैं, एक जजमानी सिस्टम हुआ करता था है ना, उसका अगर हम देखें तो गांव को स्वावलंबी बनाने के लिए इसका बहुत अच्छा सदुपयोग था, बट इसको हमको देखना होगा कि इसका सदुपयोग हो, इसमें अगर कहीं भेद है, जातिगत भेद है ना, लिंगत भेद है, तो उससे बाहर निकलने की जरूरत है, बट इसका सदुपयोग किया जा सकता है। वैसे ग्रामीण शिल्प और कारीगर प्रथाएं, इनका सदुपयोग हो सकता है। तो अब समय आ गया है कि हम सही समझ के आलोक में ग्रामीण स्तर पर मानव व्यवस्था के मॉडल को साकार करने के लिए काम करना शुरू करें। तो अभी हम लोग वैल्यू एजुकेशन से वैल्यू बेस्ड एजुकेशन की ओर जा रहे हैं, उससे धीरे धीरे वैल्यू बेस्ड लिविंग की ओर जाने की जरूरत होगी। तो लोगों के कई समूहों ने इस दिशा में गंभीरता से काम करना शुरू किया है, परिणाम स्वरूप कई प्रौद्योगिकी प्रणाली विकसित हुई है, भले ही जीवन जीने के ऐसे वैकल्पिक तरीकों को पूर्ण पैमाने पर प्रदर्शन अभी तक सामने नहीं आ पाया है। सही समझ के ढांचे के भीतर काम करते हुए समर्पित अनुसंधान और विकास प्रयासों के माध्यम से समग्र प्रौद्योगिकी और प्रणाली को विकसित करने के लिए और आगे बढ़ने की जरूरत है, और इसका व्यापक प्रसार करने की जरूरत है। तो हम ऐसे समग्र मॉडल के बारे में कुछ विवरण प्रस्तुत कर सकते हैं आने वाले समय में,
और हमें से हर प्रत्येक आगे के विवरण पे काम कर सकता है और एक कार्यशील मॉडल प्रस्तुत कर सकता है। तो अगर टिपिकल कुछ केस स्टडीज देखें जो ऑलरेडी लोग करते रहे हैं, जैसे बायोमास आधारित ऊर्जा रूपांतरण प्रणाली है, एनिमल पावर ह्यूमन मसल पावर को लेकर गैजेट बनाना है, सोलर हाइड्रो माइक्रो हाइडल विंड पावर को लेकर उत्पादन करना, वाटर के कंजर्वेशन के बहुत सारे टेक्निक्स हैं, रिसाइकलिंग के बहुत सारे टेक्निक्स हैं, वाटर शेड के टेक्निक्स हैं। अगर आप छत्तीसगढ़ जैसे एरियाज में है तो वाटर शेड पर बहुत सारा काम हुआ है। ग्रीन मटेरियल को यूटिलाइज करना कंस्ट्रक्शन के लिए, है ना, ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देना, ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग करना, छोटे पैमाने पे डिसेंट्रलाइज सीवेज निपटान करना, और जो भी हमारे वेस्ट मटेरियल है उसका रिसाइकलिंग करना। अगर आप नैक में देखें तो सबके लिए काफी वेटेज है। छोटे पैमाने पे उत्पादन प्रणालियों के लिए, है ना, कम लागत और ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकी विकसित करना और मानवतावादी संगठनात्मक या प्रबंधन के मॉडल विकसित करना ताकि प्रबंधन हमारा और मानवीय बने। तो अगर की टेकअवे देखें आज की जो मैंने बात रखी, अगर उसमें देखें तो हमें मानव लक्ष्य स्पष्टता हो, समाज में व्यवस्था के तंत्र के बारे में स्पष्टता हो और मानव व्यवस्था के भिन्न भिन्न चरण क्या होंगे उसकी स्पष्टता हो, फिर प्रौद्योगिकी में नवीनतम विकास और उनका सदुपयोग कैसे हो, हमने देखा चार इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुए हैं उनका कैसे हम सदुपयोग कर सकते हैं, सही समझ के आधार पर समग्र प्रौद्योगिकी उत्पादन प्रणाली और प्रबंधन मॉडल के बारे में कैसे दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं, मानदंड बनाए जा सकते हैं, उदाहरण प्रस्तुत हो सकते हैं, केस स्टडीज पर काम कर सकते हैं। और हम सभी स्तरों पर व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए जीवन का एक समग्र मॉडल विकसित करने के लिए प्रकृति की प्रणाली और पारंपरिक प्रथाओं से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसमें बहुत सारा स्कोप है, रिसर्च का, डेवलपमेंट का, डिजाइन का, इनोवेशन का, इंक्यूबेशन का, है ना, तो हम काम करना शुरू करें और हर व्यक्ति अपने आप में एक स्रोत हो सकता है इसके लिए। तो मेरी तरफ से इतना ही था, सभी को धन्यवाद। अगर समय रहा तो प्रश्न ले पाएंगे। जी।